नमस्कार दोस्तों, का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी स्ट्रेटजी को और पेपर ट्रेड कैसे करें, वो भी हम अपने एग्जिस्टिंग जो हमारे जो ब्रोकर है उसी के लॉगिन आईडी पासवर्ड से। तो ये एक वेबसाइट है, स्ट्रिक.टेक। अब ये क्या करता है ना, ये बेसिकली ये डायनेमिक ट्रेडिंग और हम बोले तो एल्गो ट्रेडिंग के लिए भी यूज होता है। पहले इसका जो इसकी जो रीच थी बहुत लिमिटेड ब्रोकर के साथ थी, मगर अब ये बहुत सारे ब्रोकर के साथ इसने टाई अप कर लिया है। और जो ये जो हमारे जैसे नए ट्रेडर होते हैं, जहां पर कि हम स्ट्रेटजी तो बनाते हैं, फिर उसको हम पता नहीं चलता कि हमें वो बैक टेस्ट करने का एक हमें कोई पोर्टल नहीं मिलता है, कोई ऐसा एरिया नहीं मिलता है। दूसरी बात कि हम पेपर ट्रेड कैसे करें, बिल्कुल रियल टाइम पेपर ट्रेड हम कैसे करें। तो ये मुझे लगता है कि शायद ट्रेडिंग व्यू पे है अवेलेबल, मगर वो शायद फ्री नहीं है, उसको भी हम एक बार चेक कर लेते। मैंने आज तक कभी चेक नहीं किया उसके ऊपर। इसमें एक पेपर ट्रेड का ऑप्शन होता तो है, पेपर ट्रेड ट्रेडिंग पैनल, अलग, चलो छोड़िए, जो भी है इसको हम अभी बाद में देखेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमने स्ट्रीक.टेक हम वेबसाइट खोलेंगे, लॉग इन पे क्लिक करेंगे। तो दो जो इसके जो सबसे ज्यादा जो मतलब सबसे पहले इनका टाई अप हुआ होगा, इसलिए शायद इन्होंने दो यहाँ पर ब्रॉड कैटेगरी में दिया हुआ है। बाकी हमारे पास ये भी है, जो अगर जैसे HDFC सिक्योरिटीज है, ICICI डायरेक्ट है, 5 पैसा, 5 पैसा, अपस्टॉक्स, कोटक सिक्योरिटी, शेयर खान, मोतीलाल ओसवाल और एक्सिस डायरेक्ट। इनमें से किसी में भी अगर आपका अकाउंट है तो आप उसको क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं। मैं जैसे अभी जीरोधा में अकाउंट, तो मुझे लगता नहीं कि शायद किसी का ऐसा बंदा हो जिसका हो ही ना, तो मैं अभी इसमें लॉग इन करता हूँ अपने जीरोधा से और हम इसको ऑथराइज कर देते हैं, जबरदस्त अलाउ। और हम इसको गेट स्टार्टेड कर देते हैं। अब इसमें देखते हैं, अब इसके अंदर क्या है कि हम दो चीज इसमें कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी। सबसे पहला तो हम जो है सो एक सबसे पहले तो हम एक अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, और स्ट्रेटजी वो कितनी काम कर रही है हम उसका भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम उस स्ट्रेटजी के ऊपर कम से कम जैसा नीतीश सर का हमेशा कहना है, कम से कम 100 ट्रेड। 100 ट्रेड का मतलब हुआ अगर एक हफ्ते में 5 है तो 5 चौक 20, 1 महीने में 20 हुआ ट्रेड, कम से कम 6 महीने हमें यह ट्रेड करना चाहिए पेपर ट्रेड, तो हमारा जो एक कॉन्फिडेंस होगा वो एक बहुत अच्छा बिल्ड होगा। उसके बाद रियल टाइम जो है सो हम छोटे छोटे एक एक लॉट से हमें करना चाहिए। तो हम सबसे पहले मैं बताता हूँ, आ जाते हैं हम स्ट्रेटजी में और यहाँ पर आ जाते हैं क्रिएट स्ट्रेटजी। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये बहुत ही नीट एंड क्लीन इसका इंटरफेस है, इसके अंदर ज्यादा कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब हुआ कि हमें करना क्या है, स्टॉक का नाम लेना है कि इंडाइसेस का नाम लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी का इंडाइसेस पे करना है आपको, तो यहाँ पर इंडाइसेस पे आ गया। उसके बाद हमें टाइम फ्रेम क्या लेना है, टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट, 10 मिनट। इसमें एक सबसे बड़ा फायदा कि आपने अगर कोई स्ट्रेटजी बनाई है और वो जो स्ट्रेटजी बनाई है वो किस किस टाइम फ्रेम पे कितने परसेंट तक सक्सेसफुल होती है, वो भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं। तो 5 मिनट हमने, मैंने अभी इनिशियल 5 मिनट से शुरू किया है। पोजीशन हम रखेंगे बाय, क्वांटिटी यहाँ रखेंगे हम 1 लॉट। 1 लॉट के बाद जो है सो अगर इसमें और कोई कंडीशन है तो हम यहाँ लगा सकते हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर जो है सो इंडिकेटर सिलेक्ट करते हैं। अब वो सारे इंडिकेटर जो हमारे जीरोधा में अवेलेबल होंगे वो सब हम यहाँ दिखाएगा। तो मैं बहुत सिंपल, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पीरियड हम रखेंगे 21 दिन का, इसको डन कर देते हैं। कंडीशन क्या रहेगी, हायर देन, मतलब अगर हम सपोज एक कॉल बाय कर रहे हैं तो जो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 के ऊपर रहेगा तो ये उस पे काम करेगा। और इसमें अगर हम यहां पर क्या डालें, हम यहां पर ओपन में कर देते हैं और इसको भी 21 कर देते हैं।
यहां पर हम अपना डाल सकते हैं कि हमें जो जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा वो उसका हम कितना परसेंटेज स्टॉप लॉस लगाएंगे और कितना टारगेट। तो मैं अभी इनिशियली ले लेता हूँ 10% का हम एसएल लगाते हैं और 20% का हम अपना टारगेट रखते हैं। सो एडवांस में आते हैं, यहाँ पर क्या होता है हमें डेट दिखाएगा। तो हम इसको स्टार्ट डेट हमने 1 जनवरी से कर लिया। सबसे पहले हम इसको बैक टेस्ट करेंगे कि जैसे हमने 21 तारीख से हमने स्टार्ट किया, और पीछे से भी कर सकते हैं जैसे 1 दिसंबर से कर लीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 दिसंबर 2020 से लेकर और अभी तक। तो हम जो है फरवरी में भी आ जाते हैं, और आज तारीख अगर 31 है तो 31 को चेक कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। हम यहाँ मार्केट का टाइम डाल देते हैं, तो हम यहाँ पर सवा नौ से लेकर के, और हम इसमें कर देते हैं 3 बजे तक का। ये सिर्फ हम बैक टेस्ट करने के लिए है कि हमें ये कितना कितना ट्रिगर दे रहा है और कौन कौन से ट्रिगर जो है सो कितने परसेंट सक्सेसफुल है। इसमें हमें कैंडल स्टिक ही रखना, क्योंकि हम कैंडल स्टिक को अगर क्लोज होगा उसके ऊपर, 1 सेकेंड, हाँ देखिए मैंने हमने यहाँ पर लगाया क्लोज के ऊपर, तो अगर कैंडल स्टिक क्लोज होगा तो क्लोज के ऊपर हमें ये हमारा वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। इसको एमआईएस ही रखना है हमें, और एमआईएस के बाद हम यहाँ पर सपोज हम इसके कर देते हैं ईएमए। स्ट्रेटजी का नाम हमें देना पड़ेगा कि हम जैसे ये सेव हो जाती है हमारी स्ट्रेटजी, तो हम इसको नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर सेव एंड बैक टेस्ट पर क्लिक कर देते हैं। ओ क्या बात है, ट्रेड नहीं मिला कोई, इसको ऐसा कैसे हुआ? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको जो है सो पैरामीटर को थोड़ा सा एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो ये वाला जो ईएमए था हमारा, कोई बात नहीं, हम अपने क्या करते हैं माय स्ट्रेटजी में आते हैं, जो भी हमने स्ट्रेटजी यहाँ पर सेव करी है वो सब यहाँ दिखा देगा। तो हम यहाँ पर इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, जो पहले था 50, उसको हम 50 के क्लोज पे ही कर देते हैं, इसके भी क्लोज पे कर देते हैं, उसके बाद सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं इसको। हाँ अब देखिए अब आया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये टोटल जो स्ट्रेटजी था इसने 46 सिग्नल दिए, 46 सिग्नल हमें दिए, जिसमें कि 17 में हमने जीता, मतलब हम प्रॉफिट में रहे, 29 में हम लॉस में रहे। तो अब हम यहां पर अगर अमाउंट भी देख सकते हैं, मैक्सिमम गेन कितना हुआ 2057 रुपए का, और मैक्सिमम लॉस हुआ 888 का। 2057 का मैक्सिमम गेन और मैक्सिमम लॉस है 888 का। एवरेज गेन एवरेज बाय सब दिया इसने। मैं ये नहीं कह रहा कि डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्ट्रेटजी जो है सो 100% शायद हो सकता काम करती हो, शायद काम ना करती हो, मगर हमें एक बहुत ही एक जेनरिक टाइप का एक हमें आइडिया लगता है कि अगर हम किसी एक स्ट्रेटजी को हम रन करते हैं पिछले 2 या 3 महीने का टाइम पीरियड ले करके, तो वो उसमें कितने परसेंट सक्सेस हो रही है। ठीक है जी, अब जैसे हमने यहाँ पर ये देख लिया, अब हमें इसका पेपर ट्रेड करना है। हमने एक स्ट्रेटजी बनाई, और हम यहाँ पर जो है सो हम माय स्ट्रेटजी पे आते हैं, और ये हमारी एक स्ट्रेटजी बन गई। हम इसको एडिट करके और कम भी कर सकते हैं। अब हमने कोई स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी जितने भी हमारे इंडिकेटर हैं उन सारे इंडिकेटर की कंडीशन हम कंडीशन इसमें बना सकते हैं। आपको किसी को भी कोई दिक्कत हो, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा आसान है जो लोग प्रोग्रामिंग जानते हैं, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, जो थोड़ा सा टेक्निकल है, या थोड़ा बीसीए वगैरह एमसीए की पढ़ाई की है, तो उनको पता है कि ये कंडीशनल है, तो उनके लिए लगाना बड़ा आसान है। जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी इसमें, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर जो है सो आप अपनी स्ट्रेटजी यहाँ बना दें, और बनाने के बाद फिर आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं अपने पेपर ट्रेड पे और लाइव ट्रेड पे, दोनों में मिलता है ये। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि पेपर ट्रेड पे कैसे जाते हैं। जैसे हम इसको डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, ये हमें यहाँ पर बताएगा कि पेपर ट्रेड करना है कि लाइव ट्रेड हमें ट्रेड करना है। तो क्वांटिटी 1 रहेगी, और जो स्ट्रेटजी लाइव वो एक दिन के लिए हमारा जो है सो रहेगा, और ये तो बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पर हमने पेपर ट्रेड पे क्लिक कर दिया, मतलब यहाँ पर जब हम पेपर ट्रेड पे क्लिक करेंगे उसका ये मतलब रहेगा कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई, हम उसी स्ट्रेटजी के ऊपर हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं अभी, क्योंकि पेपर ट्रेड होगा नहीं, मार्केट लाइव नहीं है, ये बिल्कुल लाइव की तरह काम करता है। तो पेपर ट्रेड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पेपर ट्रेड पे आ जाएगा। वेटिंग, वेटिंग का मतलब जैसे होता है ना कि हम जब लिमिटेड ऑर्डर लगाते हैं तो जब तक वो हमारे प्राइस पे नहीं आता है तो वेट जो वो ऑर्डर होता है पेंडिंग में रहता है, वो उसी तरह से ये वेटिंग में दिखा रहा है। अगर ये लाइव मार्केट होता और हमारी कंडीशन को मीट कर जाता तो यहाँ पर ये आ जाता है इंटर्ड में, मतलब ये हमारी कंडीशन जो है सो मैच कर गया और इंटर्ड में आ गया। उसके बाद ये जब तक या तो ये एसएल हिट करेगा, नहीं करता,
और जब तक टारगेट हिट नहीं करता तब तक ये हमारा ट्रेड लाइव रहेगा, और लाइव होने के बाद अगर कोई भी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, या तो हमारा टारगेट हिट करेगा या एसएल हिट करेगा, तो ये स्टॉप में इसमें आ जाएगा। तो ये बिल्कुल लाइव हम इसमें पेपर ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। फील बिल्कुल वैसे ही आएगा, इमोशन थोड़ा सा, थोड़ा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि हमारा पैसा नहीं लगा है, सीधी सी बात है। पर क्योंकि जब हमें एक कॉन्फिडेंस देगा, जो बिल्कुल नए ट्रेडर हैं, जो मतलब ABCD तक नहीं जानते हैं, थ्योरी पढ़ना सबसे पहले जरूरी है। थ्योरी अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। थ्योरी पढ़ना सबसे पहले जरूरी है, उसे किताबें पढ़ना जरूरी है, उसकी जो उसके बिहेवियर है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो हमें जो है सो जानना बहुत जरूरी है कि वो किस कंडीशन में क्या काम करता है, इस कंडीशन में ऐसा काम करता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद पेपर ट्रेड लीजिए। पेपर ट्रेड लेने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं दिन में अगर मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलता तो पेपर ट्रेड करता रहता हूँ पूरे दिन भर। जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं अगर मुझे लगता है यार कि जो मेरे को मेरे बिल्कुल काम का मतलब मेरे सेटअप पे नहीं बन रही है चीज़ें, तो मैं वहाँ तो मैं पेपर ट्रेड करता हूँ। और जब पेपर ट्रेड करता हूँ तो उसमें जो है सो 60%, 70%, 50% जो भी है, जो मेरी स्ट्रेटजी होती है, मैं उस स्ट्रेटजी को बना करके पेपर ट्रेड करता रहता हूँ। तो उस पेपर ट्रेड से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इमोशन तो खैर बिल्कुल जीरो इसमें रहता है क्योंकि पैसे नहीं लगे होते हैं, बहुत सही बात है। जब हम अपना रियल मनी लगाते हैं, जब असली पैसे से जब हम इसको ट्रेड करते हैं, तो वहां पर इमोशन का लेवल बहुत अलग होता है, जिसको कि बिल्ड होने में टाइम लगता है। वो ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन या दूसरे दिन ही वो, हम लोग जो है सो एक ही दिन में बिल्कुल ही पेशेंट हो जाएंगे और एक प्रोफेशनल ट्रेडर जैसे 10 10 साल 20 20 साल जिसने लगाए हैं, हम उसकी तरह ट्रेड करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसा कितनी बार मैंने पहले भी बोला और जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उन सबसे हमने सुना है कि 3 से 3.5 साल 4 साल लगते हैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे आने में। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जीरो पे आने से। अभी हम लोग सब माइनस में, हम अभी हम माइनस में चल रहे हैं। माइनस से जीरो पे आने के बाद हम एक ब्रेक इवन पॉइंट पाएंगे, उसमें कम से कम 2 2.5 3 महीना लगता है, सॉरी 3 साल लगेगा, 3.5 साल लगेगा। हर चीज हमारे सामने है, हर चीज हमारे सामने है। जो जितना ज्यादा पढ़ेगा, जितना वो उसकी चीजें उतनी जल्दी समझ में आएंगी। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी को 3 साल 3.5 साल ही लगता है। कितने ऐसे लोग हैं जो कि दिन में 4 4 5 5 घंटा 6 6 घंटा उस पर रिसर्च करते रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, एक एक ही टॉपिक के कम से कम 100 100 150 आर्टिकल पढ़ते हैं। मैं खुद ऐसे ही करता हूँ। जब भी मुझे ऑफिस में टाइम, अभी तो खैर थोड़ा सा समय का बहुत अभाव चल रहा है ये अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के चक्कर में, नहीं तो मैं तो 3 3 घंटा 4 4 घंटा एक एक टॉपिक को मैं लिख लेता हूँ अपने रजिस्टर में, उसको सर्च करता रहता हूँ, सर्च करता रहता हूँ गूगल पे यूट्यूब पे, और कुछ भी नहीं होता है तो मैं कम से कम 100 150 200 उसके आर्टिकल पढ़ लेता हूँ। उसके बाद 20 50 जितने अवेलेबल वीडियो होते हैं वो सब देख लेता हूँ यूट्यूब पे, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। अगर उसकी कोई किताब अगर अवेलेबल है मार्केट में तो उसका फ्री PDF डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाता फिर मैं वो भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो वो है, तो ये प्लीज इसको रियल मनी से बिल्कुल ट्रेड ना करें। अभी जो नए लोग हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे सबसे कि आप, हम सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस बनाएं, अपना एक लेवल डेवलप करें कि कम से कम कुछ चीजें तो हम अपने, जब हम मार्केट में रियल टाइम मनी से हम जब ट्रेड करना शुरू करें तो कुछ चीजों की हम प्रैक्टिस कर लें। उनमें से सबसे बड़ा है मनी मैनेजमेंट सबसे पहले, बाकी सब चीजों को भूल जाते हैं। मनी मैनेजमेंट से कम से कम ये रहेगा कि हमारी साइकोलॉजी डेवलप होगी कि नहीं जी नहीं, हमें तो जो है सो पूरे दिन भर में 500 रुपये, 500 क्या 700 रुपये से ज़्यादा का लॉस लेना नहीं, 700 रुपये का लॉस हुआ, काम खत्म, सिस्टम बंद, ट्रेडिंग टर्मिनल बंद, अब हम आगे ट्रेड नहीं करेंगे, हम कल देखेंगे। अब तो सबसे पहले तो हमारी साइकोलॉजी डेवलप होगी, मनी मैनेजमेंट डेवलप होगा, उसके बाद आता है सब। उसके बाद खैर स्ट्रेटजी तो सबसे नीचे आती है, खाली 5% या 10% जो रोल होता है स्ट्रेटजी का, सबसे 90 95% जो रोल होता है वो हमारे साइकोलॉजी का होता है, हमारे मनी मैनेजमेंट का होता है, हमारे डिसिप्लिन का होता है। तो इसको प्लीज यूज करें। और जिनके पास, ये तो जिरोधा में दिखा रहा है कि 7 दिन का फ्री है या 13 दिन का फ्री है, मगर जिनके पास, जैसे मैं अपना एंजल ब्रोकिंग से ट्रेड करता हूँ तो उसमें ये लगता है कि जो बेसिक वर्जन है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री है। तो आप जिसके पास है नहीं अपना एंजल ब्रोकिंग अकाउंट नहीं है तो आप जाके ओपन करा लीजिए, ओपन करके आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है पेपर ट्रेड के लिए, और पेपर ट्रेड से अच्छा है कि जो आपकी स्ट्रेटजी है उसको बैक टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये हर तरह की स्ट्रेटजी आप डेवलप कर सकते हैं, हर तरह के इंडिकेटर लगा सकते हैं यहाँ पर, बैंक निफ्टी इंडाइस। उसके बाद आप क्या कर, हम क्या कर सकते हैं कि उसी सेम स्ट्रेटजी को 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा उसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर हर तरह की कंडीशन लगा सकते हैं।
एक कंडीशन नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन है। हम किसी भी इंडिकेटर को लेकर के, दो इंडिकेटर को लेकर के, तीन इंडिकेटर को लेकर के भी हम इसमें कंडीशन लगा सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि हमारी नॉलेज कितनी है। मैंने भी अभी है 3 4 दिन पहले मुझे इसके बारे में पता चला था, तो मैंने कुछ कुछ देखा है, मेरे को भी पूरा समझ में, मतलब दो ही तीन चीज जो अभी बिल्कुल मुद्दे की थी, मैंने वो मुद्दे की बात पहले समझी है। एक्चुअली ये जो पोर्टल है ये बिल्कुल सेंसिबल की तरह है, बहुत वाइड पोर्टल है, इसके बहुत सारे फीचर हैं। जैसे यहाँ पर स्कैनर भी हैं, जो कि हमें अगर हम स्कैन में जाएंगे तो यहाँ पर आप स्टॉक सर्च कर सकते हो, आप अपनी अपनी कंडीशन लगा करके भी, जैसे देखिए हैमर है, बेरिस है, मोरोबुजू है। तो ये सब, ये तो खैर एक अलग चीज़ है, हम इस पर अभी नहीं जाएंगे, पर यह है कि मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बहुत देखता हूँ कि और कितना मैं इसके अंदर डीप में जा सकता हूँ, और जितना जाता जाऊंगा मैं उसके लिए अपना जो भी मेरा जो लर्निंग होगी मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज सबसे पहले आप कोई भी नए ट्रेडर जो भी है वो रियल टाइम मनी से बिल्कुल, अपने असली पैसे से बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। सबसे पहले बैक टेस्ट करें, स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करें, अपने साइकोलॉजी को डेवलप करें, उसके बाद पेपर ट्रेड करें कम से कम 3 4 5 6 महीना, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर आए। मुझे शायद उम्मीद है कि ये वाला वीडियो जो है सो बहुत हेल्पफुल होगा, हम सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कल मैं वीडियो बनाऊंगा हेजिंग का, मुझे आज बनाना था मगर मुझे लगा कि ये हेजिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आज इसका वीडियो बनाया। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।